सकते हैं कि मैं, अरे अभी आपके एक मुकदमा मैं कर दूं ना 376 का, नजर आओगे जेल में, ठीक है। बेटियां होती तो आते हैं ना बेटियों से मिलने, बेटियों को चौराहों पर नहीं बैठा जाता। ऐसे बाप की जरूरत नहीं है हमें जो अपनी बेटियों को लाके चौराहों पर बैठा दे। हमें अपनी लड़ाई लड़नी आती है, ऐसे बाप भाई अपने घर पर रहे, हम लोगों को नहीं चाहिए। झूठा नाटक करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ किससे? अपने सांसदों से बचाओ, अपने नेताओं से बचाओ। वो ब्रजभूषण ना, उसका नाम ब्रजभूषण नहीं, उसका नाम ब्रजशोषण होना चाहिए था, क्योंकि वो शोषण करता है लड़कियों का। असली नाम तो उसका ये होना चाहिए था। और वो बैठे बैठे वहां पर क्या ही स्टेटमेंट दे देके सब जगह सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है ना, 15 रुपए का मेडल। अरे तुम्हारे अब्बा ने भी देखा था वो मेडल 15 रुपए का, और कहते धनराशि वापस करेंगे। धनराशि तुम्हारे अब्बा की नहीं थी, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ना ही वो कुर्सी और ना ही वो पैसा और ना ही वो मेडल। और मेडल का अपमान हुआ है कि खाली उनके शोहरों को जेल में, सबके धर्म में दखल अंदाजी बहुत करने आती है खास तौर पे। अरे उपलब्धियां कुछ नहीं, ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये विकास नहीं बकवास करते हैं, ये अडानी अंबानी के चमचे हैं, अडानी अंबानी इनको चला रहे हैं और ये चल रहे हैं। और ये चाय बेच बेच के ना, ये जो प्रधानमंत्री बन गए ना, अंगूठा टेक है ये। अब अंगूठा टेको की जरूरत नहीं है हमारे देश में, पढ़े लिखे नागरिक की जरूरत है, जागरूक नागरिक की जरूरत है, जो शिक्षा पे बात करे, जो स्वास्थ्य पे बात करे, जो महिला सुरक्षा पे बात करे, वो है असली नागरिक। और ये सब जो बातें करते हैं ना बेकार की, ये सब बेकार के लोग हैं, बैठे हुए लोगों को धर्म का चश्मा पहनाए हुए। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेंगे सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और हर तरह के, हर धर्म के हिंदू, हर धर्म के जाति के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सिख हर कोई बैठा हुआ है। तब भी आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, और क्या कहते हैं? कहते हैं ये विपक्षियों की चाल है। अरे जनता अपना इंसाफ भी ना मांगे भाई, उसको भी विपक्षी बता देते हैं, उसको भी कहते हैं ये विपक्षी है, ये फलाने दल का है, ये फलाने संगठन का है। अरे अगर एक बेटी की आवाज ने पुकारा है ना, तो दूसरी बेटी ने, बेटियों ने लबैक कहा है उसकी आवाज पर, आवाज उठाई है, और आवाज के साथ आवाज उठाएंगे हम और उस बेटी को न्याय दिलाएंगे। ये एक बेटी का मामला नहीं है, ये देश की हर उस बेटी का मामला है जिसे न्याय नहीं मिलता है, जिसे इंसाफ नहीं मिलता है, जिसके साथ बलात्कार होता है और हजारों फाइलें बंद है। मोदी जी आपकी सरकार की बात कर रहे हैं, आपके सांसदों की बात कर रहे हैं, आपके विधायकों की बात कर रहे हैं, और आपकी खुद की बात कर रहे हैं हम कि आपकी फाइलें बंद हैं। फाइलें खोलिए ना, शोषण के लिए इंसाफ दिलाइए ना, बलात्कारियों को सजा दीजिए ना, बलात्कारियों को टंगाइए ना। आसपास का कितनी लड़कियां ऐसे ही, आपको पता है मनीषा वाल्मीकि को जिंदा जला दिया जाता है, जानते हैं ना मनीषा को, वो जो कांड हुआ था हाथरस की बेटी के साथ, हाथरस की बेटी को नहीं भूले हैं हम। इस तरह से आप लोग जुल्म करते हैं, वो बिल्किस बानो को भी आज हम नहीं भूले। कितनी लड़कियां ऐसी पीड़ित हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनके साथ रेप हुआ है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। चर्चा क्या होती है? मंदिर मस्जिद मंदिर। अरे भैया मुद्दे से ना भटकाइए हम लोगों को, हम लोग अपना धर्म फॉलो कर लेंगे अपने घर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के यहाँ जा नमाज भी है, घरों में मंदिरें भी हैं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। सिख भी अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, सब कोई अपने धर्मों में ना उलझाइए भाई, विकास तो दीजिए, सुरक्षा तो दीजिए, सम्मान दीजिए। जिस देश में महिला का सम्मान नहीं होता है ना, वो देश कभी बाकी नहीं बचता है। महिला का अपमान करने वालों को ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। बिल्कुल भागेंगे नहीं, सब भाजपा की पार्टी में तो चले गए, जो सारे गुंडे माफिया हमारे, माशाल्लाह। अरे बाबा जी खुद ही एक माफिया है, आपको पता है उनके बारे में? उनकी फाइल खुलवाएंगे, फाइल खोले, RTI की रिपोर्ट निकाले, मांगे। हम एक आम नागरिक हैं, हम ना ही किसी संगठन से आते हैं, ना ही किसी पार्टी से आते हैं, हम इंडिविजुअल बोलते हैं और एक आम जनता की आवाज है, और आम नागरिक की आवाज को आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है? आप आम नागरिक की आवाज को बंद नहीं कर सकते। और आपने जो ये मेरे घर नोटिसें भेजी है ना, मैं पहलवानों के आंदोलन में इस वक्त खड़ी हुई हूँ, मेरे घर पे नोटिस पहुंच चुकी है, मेरे घर पे पुलिस आ रही है जा रही है, मेरे घर में पूछताछ कर रही है। अरे जितनी भी पूछताछ करिए, ये न्याय की आवाज है, सच्चाई की आवाज है, ये बंद होने वाली नहीं है। और जब न्याय खड़ा हो जाता है ना, तो उसके पीछे अन्याय ना हल्का पड़ जाता है। और झूठ की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं होती है, झूठ की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं होती, बस झूठ को खत्म होना होगा, झूठ का गला घुट चुका है। ये झूठी मूठी बातें, जुमलेबाज सरकार, जुमलेबाज मोदी जी, जुमलेबाज योगी जी, इनको झूठ बोलते हैं, कहते हैं विकास किया, विकास किया, विकास नहीं बकवास किया, अपना प्रचार किया, अपना प्रसार किया। अडानी अंबानी का प्रचार प्रसार में इतना पैसा यूपी के अंदर लगाया है, अंबानी के प्रचार में प्रसार में, बताइए ये जनता का टैक्स था कि नहीं? जनता के टैक्स से आप प्रचार करेंगे किसी का, उसका प्रसार करेंगे, और हमारे लिए हमसे टैक्स वसूलेंगे और हमें नौकरियां नहीं देंगे, हमें रोजगार नहीं देंगे, हमें शिक्षा नहीं देंगे? अरे उल्लू बनाना बंद कीजिए मोदी जी, डरती मैं नहीं हूँ। और मुझे पता है 13 महीने हुए थे, 13 महीने हो गए थे किसान को अपने लिए लड़ते हुए, 700 किसान शहीद हुआ था। अब ये चाहते हैं बलि, अब हम महिलाओं की चाहते हैं बलि, तब ये मानेंगे, तब ये मांगेंगे माफी, इनको चाहिए बलि। अगर आप बलि भी चढ़ाएंगे ना, तो बलि भी चढ़ेंगे उस बेटी के लिए, उस बेटी के सम्मान के लिए बलि चढ़ जाएंगे, लेकिन इंसाफ जरूर मांगेंगे। और डरते आपसे हम है नहीं मोदी जी, चल रही तो दबाव क्यों बना रहे हैं आप? क्यों जांच चल रही, खाली जांच ही चलती रहेगी, कौन सी जांच? पॉस्को लगने के बाद, अरे अभी आप एक मुकदमा मैं कर दूं ना 376 का, नजर आओगे जेल में,
ठीक है, भाजपा के नेता नहीं हो, क्योंकि आप भाजपा के नेताओं के लिए संरक्षण है, वाईजेड प्लस सिक्योरिटी है, वो है, ये अपने नेताओं के लिए दोहरा कानून अपनाते, उनके सांसद बलात्कार करके भी आएंगे ना, उनको भी माफी मिलेगी। लेकिन आज आम नागरिक, विपक्ष जरा भी कुछ कर देगा ना, उसको जेल की चार दीवारी मिलेगी, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। न्यायपालिका का फैसला आने से पहले ये एनकाउंटर करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, यही इनकी हकीकत है। ये संविधान नहीं मानते, ये संविधान को जलाकर फेंकने वाले, संविधान का हनन करने वाले लोग हैं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ने वाले लोग हैं, इनसे उम्मीद करते हैं कानून की। महिला विकास जो मंत्री है वो नजर नहीं आ रही है। हाँ, अरे महिला है, उनके में महिलाओं के लिए सम्मान बचाई कहाँ, वो तो मर्द हो गई है, मर्दों के साथ खड़ी हुई है। आज हम महिलाएं हैं तो उस एक महिला के साथ खड़े हैं, क्योंकि उसका अपमान हो रहा है। इनके जमीर मर चुके हैं, इनके जमीर बिक चुके हैं। आज जिनके जमीर जिंदा है वो इस वक्त पहलवानों के आंदोलन में खड़े, और हमारे जमीर मरे नहीं है, और हमारे हमको कोई खरीद भी नहीं सकता। आपके पैसे, आपकी कौड़ी हम लोगों को, हमारे जमीर को खरीद नहीं सकती, क्योंकि अभी भी नागरिक जागरूक है। हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस पुरुष की लड़ाई लड़ रहे हैं जो बेरोजगार, हम हर उस गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वक्त जो लाचार है हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमें लड़ाई लड़ने से रोक नहीं सकते। आज हमारे क्या अच्छा, मतलब जो भी आवाज उठाता है उसे विपक्ष बता देते हैं, उनका कहना ही यही है, उनका कहना ही है। बाकी जो गोदी मीडिया है ना, वो बड़ी अच्छी है, वो भी तो भाजपा की चाटुकार है, वो तो एडॉप्टेड मीडिया है। गोदी मीडिया, उसको तो गोद लिया गया है, मोदी जी ने अंजना ओम कश्यप और रुबीना लिया का तो गोद ले लिया, आपको नहीं पता है। और वो उन्हीं वही वो कहती है जो वो कहते हैं, तो बेटियां वही बोलेंगी जो बाप बोलेगा, तो बाप बेटी सब वहां एक है। और यहां की जो बेटियां हैं, जो देश की बेटियां हैं, चाटुकार बेटियां नहीं, चाटुकार बेटियां नहीं है, ये देश की बेटियां हैं। और देश जब खतरे में होगा ना, तो ये देश बेटियां बोलेंगी। ये तो इनको भी बेटी कहा था, किसको तो बेटियां होती तो आते ना, बेटियां होती तो आते हैं ना बेटियों से मिलने, बेटियों को चौराहों पर ही बैठा जाता है। ऐसे बाप की जरूरत नहीं है हमें, जो अपनी बेटियों को लाके चौराहों पर बैठा दे, ऐसे बाप की जरूरत नहीं है, ऐसे भाई की जरूरत नहीं है हमें अपनी लड़ाई लड़नी आती है। ऐसे बाप भाई अपने घर पर रहे, हम लोगों को नहीं चाहिए। झूठा नाटक करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी बचाओ किससे, अपने सांसदों से बचाओ, अपने नेताओं से बचाओ। वो ब्रजभूषण ना, उसका नाम ब्रजभूषण नहीं, उसका नाम ब्रज शोषण होना चाहिए था, क्योंकि वो शोषण करता है लड़कियों का, असली नाम तो उसका ये होना चाहिए था। और वो बैठे बैठे वहां पर क्या ही स्टेटमेंट दे दे के सब जगह सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है ना, 15 रुपए का मेडल। अरे तुम्हारे अब्बा ने भी देखा था वो मेडल 15 रुपए का, और कहते हो धनराशि वापस करेंगे। धनराशि तुम्हारे अब्बा की नहीं थी, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ना ही वो कुर्सी और ना ही वो पैसा और ना ही वो मेडल, और मेडल का अपमान हुआ है। पिता ही तो शोषण कर रहा है, पिता नहीं, राक्षस है, राक्षस ये रक्षक के भेष में भक्षक हैं, और इन भक्षकों को माफ नहीं करेंगी बेटियां देश की, और देश की हर बेटी इस बेटी के साथ खड़ी है। और वैसे भी मोदी जी योगी जी से हम लोगों को कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अरे भैया देश का भला कर दो, बेटियों का भला कर दो, लोगों का भला कर दो, बंद करो ये हिंदू मुस्लिम, बहुत हो चुका। अब देश का नागरिक जागरूक हो रहा है। एक बार मेरी कहने से मोदी जी, मैं यहां से आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव करवा लीजिए ना, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। बच्चा जो बोलेंगी उनका जमीर मर चुका है, वो लोग बिक चुके हैं, और जो लोग बिक जाते हैं ना वो बोलते नहीं। और आप भी कल को अभी गोदी मीडिया में आपको नौकरी मिल जाए ना, आप यहाँ ये अपना यूट्यूबर लेकर खड़े नजर नहीं आएंगे। नहीं नहीं, आप देखिए पैसा आप बता दें, हम मानते हैं ठीक है, आप अगर वाकई खुददार होंगे तो नहीं बिकेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं देश के अंदर 10% जो खुददार हैं, जो अपने जमीर से सौदा नहीं करते हैं, और हम ही वो लोग हैं जो कभी जमीर से सौदा नहीं करेंगे, और देश के हित में लड़ेंगे, अपने हर हिंदू मुस्लिम से ईसाई भाई के लिए लड़ेंगे, और खड़े हैं इनसे कंधे से कंधा मिलाकर। जैसे कि आपने देखा यूपी की बेटी इतनी दूर से चलकर, लखनऊ से चलकर यहाँ आई है, और 3 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास से हमारा अभी वो योगी जी डंडा बजाएंगे अपना, हमारे घर पर पुलिस खड़ी नजर आएगी, क्योंकि मुझे तो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है हर दूसरे महीने, मेरे घर के नीचे पुलिस लगाई जाती है, आपको नहीं पता है। अगर मेरी भी राजनीति करने आते हैं कौन, अरे अच्छा मतलब कोई न्याय बोले तो वो राजनीति कर रहा है। भैया सबसे बड़ी राजनीति तो आप कर रहे हैं ना, वोटों की, हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति तो आपने करा है। और धर्म की जो राजनीति करता है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं, और ये अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं, फूट डालो राज करो, तो ये जलने वाली नहीं है, ये फूट डालो राज करो। उस वक्त हम गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। और ये तड़ीपार अमित शाह ना, ये अपनी बकवास अपने पास रखे ठीक है, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत, भक्त भी जागेंगे, अंधभक्त भी जागेंगे, जिस दिन इनकी माँ बहन बेटियों पर आएगी ना, उस दिन ये भी जागेंगे, और युवा, हर वो युवा जागेगा, कोई अपनी माँ का अपमान नहीं सहेगा। और ये जो बेटी बैठी वो भी माँ है, बेटी है, बीवी है, बहन है, आज उसका अपमान हो रहा है, गोया की हर महिला का अपमान हो रहा है, आज उसका अपमान नहीं सहा जाएगा। देश को न्याय चाहिए,
हर बेटी को न्याय चाहिए। अगर विनीता फोगाट को और अगर ये विनीता फोगाट विनीश फोगाट को और ये हमारी साक्षी मलिक को इंसाफ नहीं मिला तो समझिए दुनिया की कोई भी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक चैंपियन थी, उसने पूरे देश के लिए एक तमगा जीता था और उस तमगे वाले की जब कोई अहमियत नहीं है ना तो क्या रिक्शा चलाने वालों की अहमियत करेंगे, रिक्शा चलाने वालों की बीवियों की अहमियत करेंगे, उनकी बहनों की? अरे आम नागरिक तो आपकी नज़रों में कीड़े मकोड़े हैं ना, हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं ना, तो वो पहले उसकी अहमियत दीजिए ना। शुक्रिया, जजाकल्ला, जय हिंद, जय भारत।